गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम लोग पाठ 3 पतंग और गुब्बारा पढ़ेंगे। पाठ निकालिए। बच्चों, आपने पतंग और गुब्बारा देखा होगा। इस पाठ में पतंग और गुब्बारा के बारे में बताया गया है कि दोनों ही हवा पर निर्भर हैं तथा दोनों ही डोर से बंधे हुए रहते हैं और दोनों का उद्देश्य भी एक ही है, बच्चों को खुश करना। अब पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पतंग है, देखिए, और यहाँ संदीप पतंग को पकड़े हुए है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। एक रंग बिरंगी पतंग इतराती, बल खाती, मुस्कुराती आसमान में ऊंची उड़ रही थी। इतनी ऊंचाई पर अपने आप को देखकर वह फूली नहीं समा रही थी। फूली नहीं समा रही थी मतलब बहुत खुश हो रही थी। वाह, मैं इतना ऊंचा उड़ सकती हूँ, वह सोचकर वह झूम उठी। उड़ते उड़ते जब उसने नीचे झांका तो उसे बड़ी जोर से हंसी आ गई, क्योंकि उसे नीचे खड़े सारे बच्चे छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वह बहुत ऊंचाई पर थी। वह रहा संदीप, देखो मेरी डोर थामे जमीन पर खड़ा ऐसा लगता है मानो एक चीटा हो, खिलखिलाते हुए वह स्वयं से बोल उठी। स्वयं मैंने अपने आप से बोल उठी। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ी, अरे तुम अपनी ऊंचाई देखकर इतनी खुश क्यों हो? जानती हो, चींटा कहकर तुम जिसकी खिल्ली उड़ा रही हो उसी के हाथ में तुम्हारी डोर है। ये किसने कहा है? तो गुब्बारे ने। देखो यहाँ पर आगे पेज में पतंग के सामने गुब्बारे आ गए हैं और गुब्बारा पतंग से ये बात बोल रहा है। पतंग ने पलटकर देखा, गैस से भरा एक गोल मटोल गुब्बारा उड़ते उड़ते उसके पास आ गया था। उसके धागे का दूसरा सिरा गुब्बारे वाले या किसी बच्चे के हाथ से छूट गया था। धागा नीचे लटका हुआ हवा में झूल रहा था। हंसते हंसते पतंग बोली, ओ गुब्बारे पहले तुम अपनी कटी हुई पूंछ को तो देख लो। पूंछ यानी नीचे लटकता हुआ धागा। हा हा हा, हवा में ऐसे झूल रहा है जैसे बेपेंदे का लोटा हो। हा हा हा, पतंग जो है वो गुब्बारे पर हंसती है। गुब्बारा बोला, अरे पतंग रानी, जरा तुम ऊंचा उड़ ली तो अपना रंग दिखा रही हो, परंतु तुम्हारे ऊंचे उड़ने में तुम्हारा कोई कमाल नहीं है। कमाल तो है तुम्हारी पूंछ यानी डोर का, जिससे तुम बंधी हो और जिसके सहारे तुम उड़ रही हो। मुझे तुम्हारी तरह किसी सहारे की जरूरत नहीं है। भले ही मेरी पूंछ कटी हो पर उड़ तो अपने आप रहा हूँ ना। हा हा हा, गुब्बारा भी हंसता है पतंग पर। नेक्स्ट पेज पलटिए। गुब्बारे की बात सुनकर पतंग आग बबूला हो गई ना, बहुत गुस्सा हो गई। बोली, जिसे तुम मेरी पूंछ कह रहे हो वह धागा है, उसमें माझा लगा है। पता भी है माझा कैसे बनता है? इसे बनाने के लिए कांच को महीन पीसकर गोंद की सहायता से धागे में लगाते हैं, जिसके कारण मांझे के धागे में इतनी धार आ जाती है वह दूसरे धागों को काट सकता है। मेरा मांझा इतनी धार वाला है कि कोई डोर मेरे आगे टिक नहीं सकती। मैं तुम्हारी डोर भी काट सकती हूँ। हा हा हा, क्या तुम नहीं जानती कि किसी धागे को काटने के लिए दोनों धागों को तना हुआ होना चाहिए? मेरे धागे की तरह लटका हुआ नहीं, गुब्बारे बता रहा है। मेरी पूंछ कटी ही सही पर तुम उसका बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। बाल भी बांका नहीं कर पाओगे मतलब कुछ भी बिगाड़ नहीं सकोगे, क्योंकि वह तो हवा में झूल रही है। गुब्बारे ने हंसकर अपना मुंह खोला।
पतंग चिरकर बोली, तुम्हें भी ज्यादा डिंग मारने की जरूरत नहीं। जब तुम्हारी हवा निकल जाएगी तो तुम भी भीगी बिल्ली बन जाओगे। भीगी बिल्ली बन जाओगे मतलब बहुत डर जाओगे। गुब्बारा हंसकर बोला, बहन हम दोनों ही हवा पर निर्भर हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे भीतर भरी गैस चारों ओर की हवा से हल्की है। गुब्बारा समझा रहा है पतंग को, इसलिए मैं हवा में वैसे ही तैर रहा हूँ जैसे पानी से हल्की चीज पानी में तैरने लगती है, पर तुम्हारे उड़ने के लिए भी हवा ही तुम्हारी मदद करती है। मदद मतलब सहायता करती है। नेक्स्ट पेज में पतंग अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। बोली, मैं कैसे विश्वास करूं, विश्वास का मतलब भरोसा, कि मुझे हवा उड़ाती है। मुझे तो वह डोर उड़ाती है जिसके सहारे मैं बंधी हूँ। उसका दूसरा सिरा तो नीचे खड़े संदीप के हाथ में है जो झटके दे देकर मुझे उड़ा रहा है। गुब्बारा मुस्कुराता हुआ बोला, पर क्या तुम्हें पता है कि संदीप के झटके देने पर क्या होता है? हवा में हल्के और भारी दबाव के दो क्षेत्र बन जाते हैं जिसके कारण तुम्हें उड़ान लेने में मदद मिलती है। यह सुनकर पतंग सोच में पड़ गई। गुब्बारा फिर बोला, और जहाँ तक डोर का सवाल है, हम दोनों ही डोर से बंधे हैं। हम दोनों का उद्देश्य भी एक ही है, बच्चों को खुश करना। रंग बिरंगी पतंग और हवा या गैस से भरे रंगीन गोल मटोल गुब्बारे बच्चों को समान रूप से भाते हैं। पतंग बोली, हाँ गुब्बारे भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे समझ आ गया है कि मैं गलत थी। फिर दोनों खुश होकर आसमान में उड़ने लगे और हंस हंस कर बातें करने लगे। बच्चों, इस पाठ से हम सीखते हैं कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए तथा अपने ही गुणों का बखान नहीं करते रहना चाहिए। हमें अपने से किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। हम सभी समाज में रहते हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं कुछ प्रश्न पूछती हूँ। पतंग चीटा कहकर किसकी खिल्ली उड़ा रही थी? तो पतंग चीटा कहकर संदीप की खिल्ली उड़ा रही थी। पतंग और गुब्बारा किससे बंधे होते हैं? पतंग और गुब्बारा डोर से बंधे होते हैं। गुब्बारा और पतंग किस पर निर्भर हैं? गुब्बारा और पतंग हवा पर निर्भर हैं। हवा के हल्के और भारी दबाव के कितने क्षेत्र बन जाते हैं? तो हवा में हल्के और भारी दबाव के दो क्षेत्र बन जाते हैं। माझा बनाने के लिए किसको महीन करके पीसा जाता है? माझा बनाने के लिए कांच को महीन करके पीसा जाता है। गुब्बारा किससे भरा था? गुब्बारा गैस से भरा था। गुब्बारा और पतंग का उद्देश्य क्या था? दोनों का उद्देश्य था बच्चों को खुश करना। किसको अपने पर घमंड था बच्चों, गुब्बारा को या पतंग को? तो पतंग को। ठीक है बच्चों, इसको एक बार पाठ को एक बार पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।